हेलो एंड वेलकम बैक टू डिफेंस मैनिया दिस इज एफ कैट वन ट्वेंटी ट्वेंटी सीरीज़ इस रिवीजन सीरीज़ के थ्रू आप स्टैटिक जीके के ऑफकोर्स शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करें तो हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स को कवर करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जिससे एक से दो क्वेश्चन एफकेट में हर बार देखा गया है ठीक है दिस विल बी रियली वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं ठीक है और इस, आपको इसकी पी डी एफ़ ऑफकोर्स डिफेंस मेनिया के ऐप पर मिल जाएगी यू हैव टू गो टू बैचेस बैचेस के स्टडी मटीरियल में आपको मिल जाएगा ठीक है आप पी को रेफर कर सकते हो वॉट यू हैव टू डू इज़ इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एफ कैट के लिए आप एक साथ एक साथ मेरे साथ पढ़ लोगे एंड देन यू विल रिवाइज इट फ्रॉम पी तो आपका बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा ठीक है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर रियली वेल बाई लेक्चर्स बाई वीडियोज़ बाई मॉक टेस्ट

ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे मिलेंगी ठीक uh, right. so है इंक्लूडिंग कोर्सेज ऑफ एफ कैट एंड सी डी एस राइट दो फर्स्ट हमारा अपडेट है यहाँ पे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द योर अवार्ड देखो एग्जैक्ट वन लाइनर्स क्वेश्चन एफ कैट के यहीं से आते हैं ठीक है बी बी सी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द योर अवार्ड किसको मिला है इस बार लेविस हैमिल्टन को ठीक है मैंने बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस से डिपिक्ट करना चाहा है जो भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इमेजेस से आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेंगी ठीक है लेविस हैमिल्टन अब लेविस हैमिल्टन कहाँ से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है ही बिलोंग्स फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन ठीक है और ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है ये फॉर्मूला वन कार रेसिंग से एसोसिएटेड है आप यहाँ पे देख सकते हो और ये कौन सी कार चलाते हैं कौन सी कार ड्राइव करते हैं ही ड्राइव्स मर्सिडीज ठीक है ही ड्राइव्स मर्सिडीज तो ऑल इन ऑल ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा ठीक है इसी तरह सारे अपडेट्स uh, हम ले लेंगे बी विद दास टिल दी एंड ऑफ दिस वीडियो देन अमेरिकाज़ हाइएस्ट ऑनर लेजेंड ऑफ मेरिट किस को मिला है इसको मिला है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ठीक है uh, देखो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना किसी भी कंट्री का ऑनर या ऐसा कुछ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप इसको कुछ ना कुछ शॉर्ट स्टोरी बना के रिलेट कर सकते हो कि uh, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया था uh, द लेट प्राइम सॉरी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ लेट का इन सेंस कि ही इज नॉट इन टू ऑफिस नाव ठीक है जिंदा तो है ओके तो उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन्स बनाए थे इसलिए नरेंद्र मोदी मोदी जी को लेजेंड ऑफ मेरिट मिला था आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हो ठीक है डोंट टेक दीज थिंग्स वेरी लिटरली बस ऐसे फन फैक्ट्स हमें एग्जाम में याद रह जाते हैं इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस ठीक है राइट फिर स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 देखो एक तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडली स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स की वीडियो स्पोर्ट्स स्टार्टिंग जगह की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आप उसको चेकआउट कर सकते हो वहाँ से तो आपके तीन से चार क्वेश्चन आराम से एफ कैट में देखे जा सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो और चेकआउट डिफेंस में की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट उस पर आपको मिल जाएगा तो रही बात स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किसको मिला है रफेल नडाल को अब रफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं मी चलो ये बिलोंग करते हैं स्पेन से ये क्वेश्चन आ सकता है और ये भी आ सकता है कि राफेल नडेल कौन से स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है तो यहां पे आपको दिख रहा है ठीक है इमेजेस लगा दिए आपको ताकि आपको याद रह जाए ही बिलोंग्स टू लॉन टेनिस ठीक है लॉन टेनिस से वो बिलोंग करते हैं फिर अमर सिंह कॉलेज ऑफ श्रीनगर वॉज अवार्डेड तो विद यूनेस्को अवार्ड इसके साथ आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये याद रखना पड़ेगा ठीक है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट बेलो ठीक है आपको कमेंट करना है हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको याद रखोगे ठीक है आपको कमेंट करना है कि यूनेस्को का कहाँ पे है ठीक है हेडक्वाटर राइट नेक्स्ट आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसको मिला है ये मिला है देखो आप ट्रिक ट्रिक से चलते हैं अब बहुत कम टाइम है तो थोड़ा फन फैक्ट हम इंक्लूड कर देते हैं ताकि एग्जाम का स्ट्रेस भी कम हो जाए और हमें चीज़ें भी ज़्यादा याद रहे ठीक है हमेशा हाई स्पिरिट्स पे कौन रहता है हमने महेंद्र सिंह धोनी जी की बायोपिक भी देखी थी जिसमें सुशांत सिंह ने एक्ट करा था ठीक है वो हमेशा हाई स्पिरिट के साथ रहते हैं हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं तो ये मिला है किन को एम एस धोनी जी को ठीक है राइट आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड को किसको मिला है ये मिला है विराट कोहली को डिकेड वाला ठीक है राइट उसके बाद डिजिटल इंडिया अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी ये मिला है बिहार को ठीक है दिस इज वेरी आइकॉनिक हिस्टोरिक ठीक है कि बिहार को सब लोग बहुत पिछड़ा स्टेट मानते थे, थे और उन्हीं को ये डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग बात है हमें ठीक है इस तरह से हम स्टोरी बनाते हुए चलेंगे चीजें ज्यादा याद रहेंगी मैन बुकर प्राइज ऑफ द योर अवार्ड किसको मिला है डोगलस स्टूअर्ट को उनकी कौन सी बुक के लिए अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है शुगी बेन बुक किसने लिखी है डोगलस स्टूअर्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है राइट फिर दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सेलेंस अवार्ड ये किसको मिला है रवि शंकर प्रसाद आपको कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो रिवीजन करना ही पड़ेगा रिवीजन के बिना आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है सोशल ऑन्ट्रोप्रेनोरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 ये किसको मिला है अशरफ पटेल को ठीक है सोशल ऑन्ट्रोप्रिनोरशिप अवार्ड ठीक है फॉर द ईयर ट्वेंटी अशरफ पटेल राइट फिर अगेन यूनेस्को की बात आई है यहाँ पे हैज़ अनाउंस टू लॉन्च बंगा बंधु अवार्ड ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी ठीक है अगेन यूनेस्को इज ए न्यूज इसके बारे में पढ़ लेना ठीक है सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड सूर्य भूषण सूर्य एंड सिवान सूर्य एंड सिवान के सिवान जी को मिला है के सिवान कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है ये है इसरो से अब आपको इसरो का हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए कहाँ पे है ठीक है डू कमेंट अबाउट दिस एज वेल ठीक है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड ये तो ऑफ कोर्स रतन टाटा जी को मिला है दिस वाज टू बिल्ड इन एफर्ट्स टू बिल्ड गुड रिलेश गुड रिलेशन विद इजराइल इन्होंने इज़राइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हैं और वैसे भी रतन टाटा जी भी बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं वो ना ही एक बहुत अच्छे बिजनेस मैन हैं बट एज अ पर्सन भी उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है उनका सिक्सटी फाइव परसेंट जितना जो रेवेन्यू है जो उनका टर्न है वो कंप्लीट नेशन डेवलपमेंट में नेशनल हेल्प में जाता है ठीक है तो ऐसी बातें मैं आपको बोलूँगी ना तो एग्ज़ाम में आपको मेरी याद आएगी और आंसर बिल्कुल सही होगा ठीक है राइट ओके अब पीटास इंडिया पीटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ट्वेंटी अवार्ड मिला है जॉन अब्रह को देखो ये जो एक्टर्स होते हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से तो बिल्कुल काम करते ही हैं बट देर आर सो मेनी एक्टर्स जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी आता है ना जैसे एग्जांपल मैं भी अगर कोई अभी छोटे से लेवल पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ तो आई क्रिएट सम इम्पैक्ट जो टॉकर्स uh, भी होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं दे ऑल्सो क्रिएट सम इम्पैक्ट वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है तो uh, आप ये कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा एक्टर पसंद है और उनकी कौन सी स्किल की वजह से पसंद है ठीक है बिकॉज नावडेज देर आर सो मेनी एक्टर्स जो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से आ, अप पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं जैसे अक्षय कुमार है वो बहुत सारे डोनेशंस के लिए जाने जाते हैं फॉर सम नेशनल इंटीग्रिटी फॉर नेशनल डेवलपमेंट उनके कोई स्टेप्स होते हैं इंडियन आर्मी के लिए कोई स्टेप्स होते हैं इसलिए अक्षय कुमार इज़ इन न्यूज़ है ना एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हो अपने एक्टर के बारे में अपने एक्ट्रेस के बारे में और उनकी आपको कौन सी बात अच्छी लगती है लाइक like, आयुष्मान खुराना भी है वो हमेशा एक अच्छा मैसेज देने के लिए कोई मूवी करते हैं ना उनकी सारी मूवीज़ एक अच्छा मैसेज कन्वे करती है तो आप ये लिख सकते हो सीरियसली बहुत मजा आएगा करके देखो एग्जाम स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएगा आपका ठीक है ऑल राइट right. रविंद्रनाथ टेगोर साहित्य सम्मान ट्वेंटी ट्वेंटी अवार्ड किसको मिला है राजकमल झा को ठीक है राजकमल झा फिर आता है टाटा लिटरेचर लाइव हैज़ बिन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी बहुत सारी बुक्स के बारे में पूछा जाता है ठीक है तो इनकी बुक्स को एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा रस्किन बॉन्ड की बुक्स पूछी जाती हैं ठीक है राइट right. उसके बाद रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स अवार्ड देखो सब यहाँ पे एक तो चीज़ क्लियर हो गई रामानुजन प्राइज किस लिए दिया जाता है फॉर मैथमेटिक्स रामानुजन वॉज ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन ठीक है उन उनपे हॉलीवुड uh, ने एक मूवी बनाई है आप उसको देख सकते हो इन्फिनिटी ठीक है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी इस बार ये प्राइज़ मिला है किसको कैरोलिना अराउजो को राइट right? ओके okay. उसके बाद टाइम मैगजीन नेम्ड अ पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ये दो लोगों को मिला है ठीक है जो बिडन जो अभी प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के एंड कमला हैरिस शी इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन ठीक है ये इंडियन ओरिजिन है एंड शी इज़ दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ़ यूएस ठीक है ये हमारे थोड़े प्राउड वाली बात है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए फिर है स्कॉच गोल्ड फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी ये स्कॉच गोल्ड किसको मिला है हरियाणा को ठीक है हरियाणा को मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड फिर आता है इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन ये मिला है फिल फिलीबिट टाइगर रिजर्व पता होना चाहिए कहाँ पे है ये जोग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है दिस इज इन उत्तर प्रदेश ठीक है उसको अवार्ड मिला है ये टी एक्स टू भी आ सकता है आपको डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन राइट right. अब फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है ये दो लोगों को बजरंग पुनिया यहाँ पे मैंने इमेजेस डाल रखी हैं ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है ये आ सकता है ये एसोसियेटे है एसोसिएटेड है किससे रेसलिंग से ठीक है रेसलिंग से, से एसोसिएटेड है और दूसरा किसको मिला है इला वेनिल वाला रिवन को ठीक है इला वेनिल वला रिवन ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है आप यहाँ पे देख सकते हो इमेजेस में ये है शूटिंग से एसोसिएटेड ठीक है शूटिंग राइट फिर फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस एमनेट लेही ऑफ यूएस ये किसको मिला है ये मिला है दिनेश कात्ररे को ठीक है ही इज द फर्स्ट इंडियन तो फर्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है राइट right. उसके बाद वॉन कर मान अवार्ड किसको मिला है अगेन के सिवान अभी अभी हमने डिस्कस किया था इसरो के बारे में राइट ओके फिर uh, स्कॉच गोल्ड अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है एक तो हरियाणा को मिला था और मिनिस्ट्री वाइज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है ठीक है फिर पीसी सी महानोलोबिस अवार्ड किसको मिला है चक्रवर्ती रंगारंजन को इनको क्यों मिला है रीजन पता है शायद आफका्ट में uh, रीज़न ना पूछा जाए बट फॉर योर नॉलेज जो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है ना नेशनल इनकम ठीक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इनका नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने uh, का जो तरीका इन्होंने निकाला है एक ईजी तरीका निकाला है इन्हीं के लिए इसको इनको पी सी महानोलोबिस अवार्ड मिला है ठीक है राइट फिर इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी किसको मिला है आर रामनूजिन को ठीक है आर रामनूजन फिर फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड किसको मिला है सानिया मिर्जा कौन सी गेम में है ये ये तो सबको पता है भाई ये है टेनिस से ठीक है ओके देन फर्स्ट इंडियन टू विन व्हाट रिचर्ड डाउकिन अवार्ड ये किन को मिला है जावेद अख्तर साहब को ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट देन विजेंस लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है बेन स्ट्रोक्स को कौन से कंट्री से है आप बताओगे राइट right? फिर लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द योर अवॉर्ड एलिस पेरी क्रिकेटर है पता चल गया याद रहना चाहिए एलिस पेरी फ्रॉम क्रिकेट कौन सी कंट्री आप बताओगे ठीक है राइट ई पंचायत अवार्ड किसको मिला है हिमाचल प्रदेश को ठीक है ई पंचायत अवार्ड उसके बाद क्या आता है एबल प्राइज एबल प्राइज अगेन दो लोगों का नाम है इसमें ग्रिगरी मालगुलिस और हिलेल फुरस्टेनबर्ग ठीक है थोड़े से टफ नाम है बट एक दो बार बोलोगे याद रह जाएगा ठीक है दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ट्वेंटी ट्वेंटी में ये मिला है जूंग दे थोंगडोक को ठीक है राइट उसके बाद इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नराव ने जी को मिला है गार्ड ऑफ ऑनर कहाँ पे यूएई की आर्मी हेडक्वार्टर्स में दिस इज इम्पॉर्टेंट और क्या इम्पॉर्टेंट है इनको जनरल मनोज मुकुद नरावने जी को ऑनररी रैंक मिला है ऑफ जनरल कहाँ पे नेपाल आर्मी में ठीक है नेपाल आर्मी में ओके लता मंगेशकर अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिंपल लता मंगेशकर अवार्ड मिला है किसको उषा मंगेशकर को ठीक है राइट फिर कंट्रीज वॉर सर्विस मेडल अवॉर्ड किसको मिला है एफर्स डे के दिन एफर्स डे का बात है सबको बताना चाहिए एफ कैट का ही एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एट अक्टूबर राइट ये किनको मिला है मिंटी अग्रवाल को क्यों मिला है क्योंकि ये उस टीम में थी जहाँ पे विंग कमांडर अभिनंदन साहब जो थे ऑपरेशन बंदर जो पाकिस्तान में ऑपरेशन बंदर ऑपरेट किया गया था इसमें शी वॉज इन्वॉल्व ठीक है राइट इसलिए उनको ये वॉर सर्विस मेडल मिला है ठीक है राइट right. सरस्वती सम्मान ट्वेंटी नाइन्थ किसको मिला है वासुदेव मोहे साहब को ठीक है यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट अ गुकुआ ठीक है आई आई थिंक यू कैन प्रोनाउंस इट बेटर ठीक है लेकिन ये हाईएस्ट पीक है कहाँ पे साउथ अमेरिका में आपको ये अदर वे राउंड भी पूछा जा सकता है कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है तो इसको आप याद रख लेना ठीक है माउंट अकोनगा ठीक है तो यंगेस्ट गर्ल है काम्या कार्थी केन ठीक है राइट फिर है आइकॉनिक साइट्स आइकॉनिक साइट्स का टैग किस किस को मिला है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है इन गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में उनको आइकॉनिक साइट का जो टैग मिला है प्लस कोनार्क सन टेंपल जो उड़ीसा में है है ना कोनार्क सन सन इनको भी आइकॉनिक साइट का टैग मिला है प्रिट्सकर अवार्ड 2020 ये मिला है शैली मैक नमरा और यावोन फेरल को राइट पी आपको नो no डाउट मिल जाएगा ठीक है आफ्टर सम टाइम ऑन डिफेंस मीनिया बैचेस में आप चले जाना बैचेस में स्टडी मटेरियल सेक्शन में यू विल गेट दिस पी उसके बाद आई जी नोबल प्राइज़ ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर मेडिकल एजुकेशन मिला है नरेंद्र मोदी साहब को ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आई जी नोबल प्राइज़ जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है वो क्यों मिला है रीजन इज फॉर मेडिकल एजुकेशन ठीक है ओके उसके बाद एफ कैट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जैसे फिल्म फेयर अवॉर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एक साथ पूरा देख लेते हैं ठीक है बेस्ट मूवी मिली है गली बॉय को बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह रहे हैं एक्ट्रेस आलिया भट्ट रही हैं डायरेक्टर जोया अख्तर रही हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहे हैं रमेश सिपी साहब को ठीक है ये बात हुई फिल्म फेयर की अब बात होगी एकेडमी अवार्ड्स की उसमें बेस्ट पिक्चर कौन सी थी पैरासाइट देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये पूछा जाता है प्लीज़ आप इसको रिवाइज करके जाइएगा रिपीट मोड पे वीडियो को देखो यू विल गेट अ ग्रेट हेल्प ठीक है बेस्ट एक्टर जोक्विन फीनिक्स किसके लिए अपनी मूवी जोकर के लिए ठीक है अगर आपको प्रिपरेशन में भी कोई दिक्कत आ रही है ना यू कैन चैट विद मी डायरेक्टली ऑन डिफेंस मीन ऐप ठीक है वहाँ पे चैट का सेक्शन भी होगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट फॉर योर एग्जाम्स ठीक है एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जस्ट पुट ऑन मैसेज ही और थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिप्लाई करने में बट आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू ठीक है राइट ओके बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी रेनी जेलवेगर अपनी कौन सी मूवी के लिए जुड़ी मूवी के लिए ठीक है देखो एज अ स्टूडेंट आई ऑल्सो फील कि एग्जाम से पहले बहुत प्रेशर होता है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बहुत सारे डाउट्स आते हैं ठीक है आई हैव फेस्ड ऑल ऑफ देम एंड आई हैव क्लियर्ड एफ कैट फोर टाइम्स दैट्स वाई आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज आउट एग्जाम से पहले ताकि आप भी अपना एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर कर लो ठीक है ओके okay. देन बाफ्ता अवार्ड्स जो हैं बाफ्ता अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म 1917 रही है बेस्ट एक्टर रहे हैं जोक्विन फीनिक्स देखो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना आपने बेस्ट एक्टर याद रख लिया बट कौन से अवार्ड्स में है ये भी याद रखना है ठीक है कौन से अवार्ड्स में है अकेडमी अवार्ड्स है या बाफ्ता अवार्ड है यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रेनी जेलवेगर है बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो मूवी 1917 के लिए सैम मेंडिस Sam रहे हैं। ठीक है? राइट। अब नोबल अवार्ड्स को हम कैसे भूल सकते हैं एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चलो फटाफट से देखेंगे लिटरेचर में मिला है लुइस ग्लुक्स आपको मेडिकल में इट इज शेयर्ड बाय थ्री पीपल ओल्ट माइकल ह्यूक्टन और चार्लिस एम राइस को ठीक है फिजिक्स में ये मिला है राइगर पेनरोस रेनहार्ड जेंगल और एंड्रिया गेज को केमिस्ट्री की बात करें तो इमानुअल चारपेंटी चारपेंटियर को मिला है जेनिफर ए डोडाना को मिला है ठीक है पीस अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को और इकोनॉमिक्स का मिला है पॉल पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट आर विल्सन को ठीक है है नोबल आर वेरी इंपॉर्टेंट आई नो थोड़ा सा टफ इनको ना इनका नाम याद रखना बट आई आई एम श्योर विद रिविजन यू कैन डू इट ठीक है पीडीएफ आपको नो डाउट ऐप पे ही मिल जाएगा आप स्टडी uh, मटीरियल पे देख लीजिएगा आप उसको अवेल कर सकते हो एंड फॉर मच डिटेल आप एफ कैट टू के लिए सी डी एस टू के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन गो ऑन टू दिस ऐप और आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हो ठीक है इन सब की वैलिडिटी विद वन टाइम पेमेंट सी डी एस टू और एफ कैट टू तक के लिए है ठीक है इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड और ऑफ़र प्लीज़ चेकआउट कर लो कहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ठीक है बिफोर इट गेट एंडेड प्लीज़ हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं जब हमारे ऑफ़र ख़त्म हो जाते हैं कि प्लीज़ अब ऑफ़र दे दो जो प्रैक्टिकली फिर पॉसिबल नहीं हो पाता तो प्लीज़ आप उस ऑफ़र को मिस ना करो ना इसलिए प्लीज़ क्विकली इसको देख लेना ठीक है आई होप यू विल नॉट मिस ऑन टू दिस चांस तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू एंड जय हिंद